Guys, can you all hear me, see me? Good morning, everybody. Good morning, everybody. Can you all hear me? Can you all see me? Good morning. Good morning, everybody. Yes? Okay, let's get started. So, good morning, everybody. Let's start today's class. Good morning. Hello. चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए. नीट 2021 का क्रैश कोर्स चल रहा है ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. और फ्राइडे सैटरडे वीकेंड होने वाला है धमाल. फ्राइडे होने वाला है फुल सिलेबस क्लास 11 सरप्राइज टेस्ट. इन्फॉर्म कर देती हूँ, पढ़ लो. एंड सैटरडे होने वाला है फुल सिलेबस क्लास 12th टेस्ट. यस, दो टेस्ट आ रहे हैं क्रैश कोर्स स्पेशल, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ टेस्टिंग भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलिए आज की सुपर अमेजिंग क्लास को स्टार्ट किया जाए. क्रैश कोर्स ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन विद द मेंटीक्विज क्लास पर मेंटीक्विज भी कराएंगे. बहुत अमेजिंग स्लाइड्स बनी हुई है, राइट? और याद रखिएगा, दो टेस्ट आ रहे हैं. एक टेस्ट कल है, कल का टेस्ट है ऑन क्लास 11th फुल सिलेबस, और परसों का टेस्ट है क्लास 12th फुल सिलेबस. माय नेम इज डॉक्टर वानी, आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी. आई हैव बीन अवार्डेड द बेस्ट टीचर एट द नेशनल टीचर्स कॉन्क्लेव इन 2017, 2018 एंड 2019. आई कम विद ओवर 10 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. दिस इज माय 11th स्ट्रेट ईयर टीचिंग NEET aspirants, thousands of selections across the country. One of the oldest master teachers of Vedantam, somebody who started the NEET coaching where lakhs of students study in Vedantam today. Yes, so namaskar, Kushamadeep, kaise hai aap sab? I hope you're all doing well. Roz aapki teen classes hoti hai. And guys, aapke liye kuch bahut exciting Saturday shaam ko 5 baje bhi aa raha hai, where I'm getting one of the topmost researchers of Vedantam to tell you about such amazing things. To sochte raho, right? But daily we take 3 classes. Aaj shaam ko class 11th ki class hai, right? Menti quiz hai, breathing and exchange of gases ka. 12th ki class hai, NEET 2022 ki 9 PM, and aap logon ki ecosystem ki class hai 10 AM. Aaj shaam ki 5 baje ki class mein sare previous year questions ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाले हैं. और कल आपका फुल क्लास 11 सिलेबस, परसों फुल क्लास 12 सिलेबस. यस, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रेगनेंसी, पार्टुरेशन, लैक्टेशन में पूरा सब कुछ इन डिटेल करवाने वाली हूं. यो, राइट? आज कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर करने की, पूरे का पूरा चैप्टर कर लेंगे. डन डन डन, क्या कहते हो? पूरे का पूरा चैप्टर. यो ला 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 ला, है ना? सही, बढ़िया. तो इसी बात पे एक काम करिए, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. मेक श्योर दैट यू प्रेसिंग ऑन टू द बेल आइकॉन. टुडे वी विल ट्राई एंड फिनिश द एंटायर चैप्टर, राइट? और कल शाम को मैं सोच रही हूँ क्यों ना डाइजेशन और रेस्पिरेशन का भी एक और टेस्ट ले लिया जाए, दोनों चैप्टर्स का. मतलब थोड़ी टेस्टिंग पे जोर देते हैं, राइट? बढ़िया, चले, राइट? पर गाइस, एक काम करना है यहां पर आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है आपको. ओपी स्पीड से आगे बढ़ते हैं. आज पूरा टॉपिक खत्म करेंगे. फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे पड़ जाओ यार, हाथ धो के फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे पड़ जाओ. अपनी बायो की ए टू जेड सारी टेंशन, सारी दुविधा, सारी प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ दो. आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ योर बायो प्रॉब्लम. आप सिर्फ अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे सिंगल माइंडेड डेडिकेशन डिवोशन से पढ़ जाओ. डन, प्रॉमिस करते हो? पक्का. बायोटॉनिक का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बायोटॉनिक फॉर नीट. और मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, इतने वानी मैम के नकली ग्रुप्स बन चुके हैं. मैंने आपको कल भी बताया, डॉक्टर वानी सू ढींसा, मेरा सिर्फ एक ही असली ग्रुप है टेलीग्राम पे, बाकी सब नकली ग्रुप्स है. और बायोटॉनिक फॉर नीट का भी सिर्फ एक ग्रुप है, राइट? अगर आपको यू वांट टू गेट इन टच विद मी, द वानी वॉइस फॉर चेंज वाला, अच्छा नाम, यहाँ फोटो ऐसी, कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड एट डॉक्टर वानी सू, दिस इज वेयर यू गेट इन टच विद मी. एंड एंकर ऐप पे भी आप मुझसे टच में आ सकते. बिफोर आई मूव अहेड, लेट मी टेल यू गाइस कि वेदांतों में जो लॉन्ग टर्म के बच्चे हैं, राइट, हम उनको, बिकॉज क्रैश कोर्स में तो आपको यार एग्जाम में अच्छा करनी, बट लॉन्ग टर्म के बच्चे जो हमारे पास आते हैं या वेदांतों में जो भी मतलब साल भर पढ़ने आते हैं, हम उन्हें बोलते हैं गाइज हम आप हमारे पास 5-6-8 महीने साल भर पढ़ोगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस 10 लेवल्स आप जाएगी. आपकी आप एक्स पे आओगे तो आप सोचोगे यार मतलब यू विल बिकम सुपर डुपर good with your subjects, you will be able to solve questions, your concepts will become clear, your theory knowledge will become very sound. और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपकी performance improve नहीं हुई, 75% आप हमारी classes attend कर रहे हो, 75% test दे रहे हो, और अगर फिर भी आपकी performance improve नहीं हुई, तो we will return your money, which is a Vedantam improvement promise, right? But guys, आप ये रखो, please, आप 550-600 का aim मत बनाओ इस साल भी. मतलब इतने ज़्यादा बच्चे हैं यार,
कुछ सीटें हैं, कुछ मतलब कुछ चुनिंदा गुनिंदा सीट, लाखों बच्चों के लिए हजार सीट्स भी नहीं है। लाइक ऐसे मैं नहीं कह सकती कि लाखों सीट्स हैं। प्लीज अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री के लेवल को बढ़ा लो, आप यूट्यूब पे पढ़ लो, आप क्लासेस लगा लो, आप ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आप यू नो आजकल तो ऑफलाइन का तो टाइम ही नहीं है, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग, बिकॉज विदाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर 640, 650, 660, विद अलोन बायो नहीं पॉसिबल होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ बैकअप टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। Unfortunately, you can't do self-study because there are a lot of doubts, and those doubts require somebody's assistance. I'm not telling you you study crash course हमारे साथ, I'm saying आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, but physics chemistry के स्कोर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दो। लास्ट ईयर के जो मेरे पास क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स है 682, 670, 670, 662, तो ये स्पेशली बनाया गया है, our results are speaking for themselves. राइट अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपका पूरा सिलेबस 120 लगभग सेशंस में खत्म करा दूंगी। पर मुझे ये पता है कि यार सिर्फ पढ़ाना इनफ नहीं होता, वो तो आप यूट्यूब पे पढ़ लो, यहां पे तो कोई फिजिक्स के टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर है, आप पढ़ लो। क्लास में जो डाउट्स आते हैं, जो बच्चे को हेल्प चाहिए होती कि यार कोई मुझे समझाए, क्लास के बाद क्लास के डाउट्स, बाद में मैं डाउट्स कैसे लूंगा, क्लास के बाद जो टेस्ट देने होते हैं, टेस्ट के बेसिस पे जो रिजल्ट आता है, इस टेस्ट को जो एनालाइज करना होता है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है ना। और जो बाद में मतलब इतने सोर्सेस से पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्शन होगी, डाउट्स और भी हो रहे, मेरा कमेंट कोई नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, टीचर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर अकेला पढ़ाएगा या डाउट लेगा। तो डाउट्स, क्लास टीचर्स, आपके क्लास टीचर्स क्लास में डाउट लेंगे, डाउट ऐप आपकी क्लास के बाद डाउट्स लेगी, राइट। हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, हर एक सेशन में टीचर के नोट्स मिलेंगे। आप पढ़ने के लिए तो चलो आप YouTube पे पढ़ लो, ये चीजें जरूरी होती है बेटा। अभी भी डेट्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए प्लीज आप सीरियस हो जाओ नीट 2021 के लिए। हर चैप्टर की हम आपको समरी देते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फॉर्मूलाज कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, ये सारी चीजें। क्लास के बाद असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें नीट क्वेश्चन पेपर को प्रिडिक्ट किया जाता है, 20 टेस्ट लिए जाएंगे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होगी सुबह से लेकर शाम तक, राइट। सुबह 8 बजे डाउट सॉल्विंग ऐप ओपन हो जाती है, रात के 11 बजे तक डाउट सॉल्विंग ऐप ओपन रहती है। मैं नया कोर्स 17th मई को शुरू कर रही हूँ विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, राइट। वानी मैम से बायो पढ़ो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए गो टू द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री जो आपको पढ़ाएंगे। आपको एक कोड याद रखना है, VD नीट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 120 आवर्स के टेस्ट, 20 टेस्ट ऑफ 3 आवर्स ईच, राइट, एंड 20 टेस्ट की डिस्कशन ऑफ 3 आवर्स ईच। 11th और 12th पूरा मैं आपको PCB करवाऊंगी, डोंट मिस दिस। किसका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे नहीं है बेटा मैम का, नीता जी आज मैं हैप्पी बर्थडे की टोपी पहन के आई हूँ, तब से लगे पड़े हो। चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं, क्लास के बाद मेंटी भी करेंगे, डन, चले क्लास स्टार्ट कर दे, आइए। अरे हाँ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग डन, करवा देती हूँ, वो वाली स्लाइड लोडने की करवा देती हूँ, डन, 2-5 बजे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की करवा देती हूँ अगली क्लास में, डन, ये क्लास शुरू करें। अरे मैंने स्लाइड्स लोड नहीं करी, अगली क्लास में आई गेट द स्लाइड्स, आपकी मुझे लगा वो टॉपिक खत्म हो गया। चलो पिन ड्रॉप साइलेंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, MCQ, इंटर रिलेशनशिप्स, जब लिविंग एनवायरनमेंट और उनके एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट का इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी, राइट। इसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। अब आ जाओ बायोम में, एक बायोम कभी भी एक छोटा एरिया नहीं हो सकता, आप ये नहीं कह सकते चंडीगढ़ एक बायोम है, आप ये नहीं कह सकते बैंगलोर एक बायोम है, एक बहुत लार्ज रीजनल यूनिट, राइट, जहां पर एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन है, राइट, एक तरह के टेम्परेट एरियाज, तुंद्रा एरियाज। तो मान लीजिए आप शुरू कर रहे हो नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राइट, पंजाब, दिल्ली, ये एक एरिया में टेम्परेट एरियाज, तो इट इज अ वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। आप ऐसे नहीं कह सकते ये एक सिटी है जी, ये सिटी है, इसका बायोम है,
राइट आप ऐसे नहीं कह सकते. इट इज अ वेरी वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जिसमें एक तरह का क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है, एक तरह की वेजिटेशन है. राइट जैसे टेम्परेट ट्रीज है, पतझड़ डेसिडुअस फॉरेस्ट है. अगर मैं टेम्परेट बायोम की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कि वहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट है, उसमें एक तरह के फ्लोरा और फौना है. द ट्रॉपिकल अलग बोलूंगी. अगर मैं पूरे लगभग नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करती हूँ, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, तो मैं कहूंगी जी यहां पर ट्रॉपिकल. तो इस तरह से बायोम्स बहुत लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होते हैं. एक स्पीशीज हैबिटेट के कौन से स्पेसिफिक एरिया को ऑक्यूपाई करती है, एक स्पीशीज का क्या रोल है उस हैबिटेट में, किस टाइप का फूड खाती है, हैबिटेट में कौन से स्पेसिफिक एरिया में रहती है, कहां पर रिप्रोड्यूस करती है, और वहां की बाकी स्पीशीज के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, उस एरिया का निश है. एक स्पीशीज उस एरिया में क्या रोल प्ले करती है, फंक्शनल रोल. एमसीक्यू में ये वाला वर्ड आता है. किस तरह का खाना खाती है, हैबिटेट में एक पेड़ है, उस पेड़ में जो टॉप एरियाज में हॉलो होंगे उनमें आउल रहेगा, सबसे हाई पे जो पेड़ की शाखा होगी उस पे वल्चर रहेगा, जो लोअर ब्रांचेस लीफी होंगे उनमें छोटा सा घोंसला बना के स्पैरोज या माइनास रहेंगे. सो इट ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक एरिया इन द हैबिटेट वेयर इट रिप्रोड्यूसेस एंड इट इंटरैक्ट्स विद द अदर स्पीशीज. राइट पूजिता, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? बिफोर वी मूव अहेड आज की क्लासेस का मैं आपको नजरिया तो दिखाऊं इंपॉर्टेंट टर्म्स. सारे साइंटिस्ट एबायोटिक फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, अडेप्टेशन चारों एक साथ. स्लाइड्स देखो, ऐसे पढ़ना होता है एनसीईआरटी के लिए. इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट, आज की क्लास ये कैसे टर्म्स अफेक्ट करती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूं. आप बस बैठ के नोट्स बनाते चलो, डन, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे. आप सिर्फ बना के ओपी क्लास, आप सिर्फ आराम से बैठकर नोट्स बनाते चलो. आपका ये पूरा टॉपिक विद नोट्स में करवा दूंगी. आप मेरी क्लास में अब आ गए हो ना, हो सकता है आधे बच्चों के पास नोट्स ना हो, बस लिखते चलो, येलो पेजेस पे लिखते चलो, भले ही एनसीईआरटी पे चिपकाते चलो. चलो सो लेट्स नाउ मूव अहेड. राइट, तो मैंने आपको निश की डेफिनेशन करा दी. ये तो एग्जाम में दो या तीन बार आता है, आ चुका है और आएगा भी. यूरी थर्मल स्टीनोथर्मल, यूरी हेलाइन स्टीनोहेलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है. यूरी थर्मल जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस. एग्जाम्पल मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स. आप और मैं तुंद्रा जा सकते हैं, आप और मैं साइबेरिया जा सकते हैं, आप और मैं सहारा डेजर्ट भी जा सकते हैं. दैट इज रेफर टू एज द यूरी थर्मल. दे कैन टॉलोरेट बर्ड्स एंड मैमल्स. फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न, फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन बर्ड्स, दे माइग्रेट ऑल द वे फ्रॉम साइबेरिया टू सेंट्रल एशिया टू इंडिया. राइट एवरीबडी, सो दिस इज यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म, स्टीनोथर्मल. एनिमल्स विच लिव विदिन narrow range of temperature because of the requirements of nearly constant temperature throughout the year. ये temperature vary नहीं कर सकते. आप बेचारे polar bear को Amazon rainforest नहीं लेकर आ सकते, right? कितनी गलत बात है. आपने देखा होगा आजकल एक special तरह के, you know, बहुत लोग होते हैं, एक dog होता है उसको husky कहते हैं. कितने लोगों ने देखा husky? Celebrities हो गए, बड़े लोग हो गए जिनके पास बड़ा पैसा है, वो husky पालने लग गए. बड़ा प्यारा है जी, बड़ा प्यारा है जी, बड़ा प्यारा है. फिर एक special तरह का dog होता है उसको अकीटा कहते हैं, राइट, ये पालने लगे. अरे ये नहीं, हस्की इज अ साइबेरियन हस्की, इट इज अ साइबेरियन एनिमल. उसका पूरा नाम है साइबेरियन हस्की. साइबेरियन हस्की इज अ स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म. अकीटा इज अ स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, राइट. इट इज मेंट, इट इज गॉट डबल कोट, इट इज मेंट फॉर द कोल्ड एरियाज, इट इज नॉट मेंट फॉर योर एंड माय हाउस, इट इज नॉट मेंट फॉर इंडिया. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स गॉट ब्लू आईज, इट्स रियली नाइस, बट इट इज नॉट अ यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म, राइट. लिजर्ड्स आप सर्दियों में नहीं लेके जा सकते, ट्रॉपिकल होती है. एम्फीबियंस, राइट, नहीं लेके जा सकते आप इनको पोलर क्लाइमेट में, राइट. पीसिया, पीलिया, ये आपके कोल्ड टेम्परेचर के एरियाज है. आपको क्या कॉनिफर पाइन का ट्री आपको सारा डेजर्ट में सऊदी अरेबिया में नजर आएगा?
सऊदी अरेबिया में आपको पाइन ट्रीज नजर आएगा, बोलोगे क्रिसमस ट्री लगा दो कि सऊदी अरेबिया में, नहीं बेटा वो ज़ेनोफाइटिक ट्री है। Are you getting my point? No. So these animals जो बहुत छोटे एरिया में रहते हैं उनको हम स्टीनो कहते हैं। और देखो बेटा स्टीनो को याद कैसे रखो, स्टेंट। स्टेंट जो होता है वो नैरो ब्लड वेसल में डाला जाता है। जब ब्लड वेसल बहुत नैरो हो जाता है तो उसमें स्टेंट डाला जाता है, तो जो नैरो एरिया है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टीनो, नैरो। ठीक है, नैरो। सो सिमिलरली यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन, हेलो क्या होता है, हेलाइन, हैलोजन, हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, हैलाइड्स है ना, आयोडाइड, राइट, सेवन वाला जिनके इलेक्ट्रॉन बाहर सेवन होगा, एक लेके स्टेबल हो जाएंगे, राइट, विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज। स्टीनो अगेन, स्टीनो स्मॉल रेंज ऑफ सैलाइनिटी, वाइड रेंज ऑफ सैलाइनिटी सैल्मन, वाइड रेंज, और स्मॉल रेंज ऑफ सैलाइनिटी शार्क। कभी नदी में शार्क नहीं मिलती, नदियों में शार्क नहीं मिलती, शार्क जो है वो ओशंस में, तो उनकी सैलाइनिटी वो हाइपर सैलाइन एटमॉस्फेयर में रहती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल अर्शदीप स्क्रीन ब्लर नहीं है, आप अपना रेजोल्यूशन जरा चेक कर लो बेटा प्लीज, स्टीन ब्लर नहीं है। अब आ जाए इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में प्लांट होते हैं, जैसे जो जनरली इंडिया, नॉर्थ इंडिया के प्लांट है, मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, नीम का पेड़, आम का पेड़, मॉडरेट। ड्राई हैबिटेट के प्लांट अगेव, ओपनशिया, एलो, आइकॉर्निया, आइकॉर्निया कह रही हूं अपना, आइकॉर्निया तो आपका वॉटर वाला प्लांट है, राइट, कैक्टाई, सेलाइन सॉइल, हाइपर सेलाइन, हाइपर सैलाइन भी कहते हैं, ज्यादा सैलाइनिटी, एबसिनिया, सोनेरिशिया, हेरिशेरिया, हेरिशेरिया, सुंदरी, वर्न, सुंदरी, राइट। एसिडिक सॉइल में जुगते हैं ऑक्साइलोफाइट्स, अल्कलाइन सॉइल में जो उगते हैं, राइट, जैसे लो रोज है, रोज के लिए अगर आपको बहुत, देखो रोज वैसे हर जगह उग जाता है, हर जगह ऐसा बात नहीं है, पर अगर आपको ज्यादा अच्छे से उगाना है तो जो आपको एसिडिक सॉइल्स में उगाना पड़ेगा, राइट। इसका क्लासिकल एग्जांपल है सनड्यू, सनड्यू जो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, सैंडी सॉइल, सैमोफाइट्स, रॉक क्रिवाइसिस, लाइकन्स, मॉसेस, फर्न्स, राइट, यहां पे भी आ जाएगा रॉक्स, लिथोस्फीयर। इज दैट क्लियर एवरीबडी, समझ में आ रहा है आपको, डन, राइट। हाइपरसलाइन इज लगून, सामोफाइट्स का भी एग्जाम्पल ले लो, आर्टमीसिया एक प्लांट होता है, आर्टमीसिया, तो ये आपके प्लांट्स है, एग्जाम में बहुत बार आता है। मॉडरेट वाटर मीसोफाइट्स, कम पानी ज़ेरोफाइट्स, सैलाइन सॉइल नमकीन एरिया हैलोफाइट्स, एसिडिक ऑक्साइलोफाइट्स, ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल सैमोफाइट्स, ग्रोइंग इन रॉक्स चार्ज्मोफाइट्स, चार्ज स्मॉल लिटिल प्लेस इन द रॉक्स, और रॉक्स के ऊपर जो उग रहा है दैट इज लिथोफाइट्स, डन एंड डस्टेड, राइट। स्कियोफाइट, स्कियोफाइट्स, द शेडी एरियाज, एक और लिखवा देती हूं, जो शेड में, फर्न्स ऑलवेज ग्रो इन शेड्स, इट्स कॉल्ड द स्कियोफाइट। सनफ्लावर गोज इन पीक सन, हिलियांथसेनस, हीलियोफाइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द हिलियांथसेनस, पीक सन। ये दो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, डन एवरीबडी, स्कियोफाइट्स, इज दैट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जितना भी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे का सारा आपको एक स्लाइड में डालकर दे दिया है। दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टैब्यूलेट एवरीथिंग, राइट डाउन एवरीथिंग टुगेदर सो दैट योर रिविजन बिकम्स इजी। Alexander von Humboldt इस एक चैप्टर में से साइंटिस्ट के नाम बहुत आते हैं। Ernest Haeckel has come 4 times in the last 10 years. Alexander von Humboldt has come 3 times in the last 10 years. Joseph Grinnell has come only once.
right in the last one. Ramdev Mishra has come twice. It's from your NCERT. Alexander von Humboldt is the father of ecology. Is the father of ecology. आज मेरे बाल Alexander von Humboldt की तरह लग रहे हैं. वैसे मेरे बाल उसकी तरह नहीं लगते. Right? क्या नाम है उसका? Which I've never really told anybody before. I don't think so. I've ever talked about this before. But yeah, now that I'm suddenly reminded of that. When I was in class 10, now that we're talking, I'll talk about it. So when I was in class 10, I had curly hair all the time, right? This is after once, after I think four times I've straightened my hair. So yeah, so this is, I have very curly hair, right? Now I like my hair. But so when I was in class 10th, there was Ram wala serial aata tha, right? You must have all seen it, right? There was used to be the serial Ramayan or something. And I don't know why, nobody has seen it like that, but that Ram wala serial, they used to always have curly hair, all this Rama Krishna and everybody used to have curly hair. You've seen that, right? And in my class, everybody used to call me, hey, dekho, look, your hair is like Ram, that serial. And you know, when you're in class 10th, when you're in class 9th, when you're in class 11th, you're very sensitive. Like you don't really know that it's good to have curly hair. Look at Kangana, she has beautiful curls. She's got such lovely curls. Look at Tapsee Pannu, she's got beautiful curls. But when you're in class 10th, 11th, you know, 9th, you don't really know. And you get hurt and then you don't know and you're like, no, I don't like my hair. Everybody else has straight hair. Why do I have curly hair? And then when you grow up, you realize, no, it's your diversity is your strength. Like I said, you know what? Your differences make you you. Your similarities don't make you you. Your differences make you you. So if anybody has curly hair out there, high five. That's our strength, right? If any, and I remember when I was so tall. See, I'm nearly only this much shorter than the screen, right? So I'm like really tall. So I remember when I was so tall that when I was in school, I used to be always standing at the end of the line. How many of you can relate to this? Raise your hands, please. I used to be standing at the end of the line and I used to hate it. Kab mujhe end mein nahi khada hona hai. Right? Is there anybody who else can relate to that? Yaar, mujhe end mein nahi khada hona line ke. Right? Is there any girl and boy who can relate to it? But now I feel, no, it's good. Very tall, it's you don't have height, tall height, that's also fine. Your average height, that's also fine. You're tall, that's, but when you're young, that's why it's very important to really mold children, to tell them it's okay. Yes, it's fine, yeah, it's okay. So you stand acha aur har baar piche khada hona padta hai. Aur fir upar se mera naam bhi B se shuru hota tha. Fir A B C D E F G H I J K L O P N O P Q R. That is also your attendance will last. Mein jaake. So, you have these small school things, right? Yaar, ye kya hai? Mera to naam bhi end mein aata hai. Hai na, chalo, never mind. Aayye. So, Ramdev Mishra is revered, matlab unko lagbhag puja jata hai, because he's the father of ecology in India. Right? This photo hata lete hai. And Ernest Haeckel coined the term ecology, very important. There was a naturalist, his name was Roswell Hill Johnson. He coined the term ecological niche. Aa sakta hai, main isliye star bana deti hu. Aane ke chances hai. Right? Done. Joseph Grinnell do baar aaya hua hai. Niche for the first time in 1907. Grinnell. This is Ernest Haeckel, this is Ramdev, and this is Alexander von Humboldt. हां जी बेटा जी, क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस कराया जाएगा, फुल 11th और फुल 12th का पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. अभी तक नहीं लिया तो ले लो. और यहां पर भी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, यहां पे बायो का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा.
मैम थर्ड मे के क्रैश कोर्स वालों को आपकी क्लास कैसे मिलेगी? उलजाशी आपको माय कोर्सेज पे जाना है, माय कोर्सेज पे जाकर माइक्रो कोर्सेज पे क्लिक करना है, माइक्रो कोर्सेज पे क्लिक करके आपको वाणी मैम की क्लासेस नजर आएंगी। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर, वॉटर, लाइट, सॉइल। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? टेम्परेचर, वॉटर, लाइट, सॉइल। यस एवरीबडी, टेम्परेचर, वॉटर, लाइट, सॉइल। श्रेयस रजक, आयुषी, प्रियंका, ड्रीमर, कल्पना, टेम्परेचर, वॉटर, लाइट, सॉइल। सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर। ये सीजनली वेरी करता है। अब आपको पता ही है आजकल मई में इतनी गर्मी नहीं है जितनी हर साल पड़ती थी, राइट? इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर मई। 70 साल में कल मैं पढ़ रही थी, सबसे कम मई का टेम्परेचर इसी साल हुआ है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स पर जाओगे, पोल्स में टेम्परेचर कम होता है और इक्वेटर में टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे आप प्लेन से हिल्स की तरफ जाओगे, हिल्स में टेम्परेचर कम होगा, प्लेन्स में टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर से इंजाइम्स की काइनेटिक्स पे फर्क पड़ता है। क्या आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सडनली इंजाइम्स डीनेचर हो जाती है और इंजाइम्स काम नहीं करती, इसलिए क्रायो प्रिजर्वेशन भी -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, राइट एवरीबडी? इसकी वजह से इंजाइम्स और बाकी फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं यूरी थर्मल, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं स्टीनो थर्मल। लाइफ जो है वो वॉटर में ओरिजिनेट हुई थी एंड इट इज अनसस्टेनेबल विदाउट वॉटर। सम ऑर्गेनिज्म विच आर टॉलरेंट टू वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटीज का नाम हो गया यूरी हेलाइन। स्टेन का मैंने आपको मतलब बोला नैरो, नैरो रेंज ऑफ सलाइनिटी हो गया स्टीनो हेलाइन। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से ही खाना प्रोड्यूस करते हैं, सनलाइट बहुत जरूरी होती है। जो बहुत शेड में रहते हैं प्लांट्स उनको हम स्कियोफाइट्स कहते हैं, पर ज्यादा शेड में कभी भी फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होता। कितने लोगों के घर में आम के पेड़ लगे, पीपल के पेड़ लगे, जिनके घरों में आम या पीपल या जामुन का पेड़ लगा है उसके नीचे कभी भी ग्रास ग्रो नहीं करती। क्या आपने नोटिस किया है? क्या आपने नोटिस किया जब पेड़ के नीचे देखो तो घास नहीं उगती है? क्योंकि शेड में फोटोसिंथेसिस होना मुश्किल होता है। यस और नो? शेड में फोटोसिंथेसिस होना मुश्किल होता है। मिनिमम सनलाइट जितनी चाहिए होती है उसको फोटोपीरियडिज्म कहते हैं, जिसके बेसिस पे लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है, शॉर्ट डे प्लांट जिनको कम सनलाइट चाहिए होती है, और डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो यूवी कॉम्पोनेंट है सनलाइट का, स्पेशली यूवी बी, वो बहुत हार्मफुल होता, राइट एवरीबडी? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी। तो पेड़ की छाव में प्लांट्स उगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीम के नीचे कोई घास नहीं उगती, अगर नीम का पेड़ होगा तो वो नीचे सिर्फ मिट्टी 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 होगी, राइट? कभी भी जामुन के नीचे, नीम के नीचे, पीपल के नीचे, राइट, मैंगो के नीचे घास नहीं उगेगी, शेड रहेगी। द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट। वेदरिंग पता है आपको, लीचिंग, वेदरिंग, जिसकी वजह से सॉइल बनती है। पेडोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में कितना पानी है, ग्रेन साइज कितना है, परकोलेशन, कितना पानी बहकर नीचे चला जाता है। जैसे अगर सैंडी सॉइल होगी तो सारा पानी नीचे चला जाएगा। क्ले सॉइल होगी जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं तो वो सॉइल, उसका वाटर रिटेंशन काफी ज्यादा होता है। लोमी सॉइल होगी तो उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा और ह्यूमस ज्यादा होने की वजह से लोमी सॉइल में बहुत अच्छा वाटर रिटेंशन और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिसकी वजह से दैट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल और सॉइल का कितना पीएच है, उसमें मिनरल कॉम्पोजिशन कितना है, डिपेंड करता है कि कैसी वेजिटेशन होगी। लाइक ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। लैटराइट सॉइल में मिनरल न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, रेड कलर की सॉइल होती है, राइट? महाराष्ट्र, यस, ब्लैक सॉइल वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कपास और कॉटन। चलिए, तो आपके चार पॉइंट्स क्या है, मैंने आपको बोला TWLS, टेम्परेचर, वॉटर, लाइट एंड सॉइल। अब ए बायोटिक फैक्टर जो है TWLS, इनके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करेंगे? एक होंगे रेगुलेटर्स, ये कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जैसे ह्यूमन बींग्स है और कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट मेंटेन करके रखेंगे। रेगुलेट ये अपना टेम्परेचर और अपने पानी को
कॉन्स्टेंट रखते हैं, रेगुलेट करके कॉन्स्टेंट रखते हैं. इसमें आएंगे आपके बर्ड्स, मैमल्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स. इज दैट क्लियर? कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. कल्पना जी, श्रेया जी, मोनिका जी, पूजिता जी, दिव्या जी, मृणाल जी, समझ में आ रहा है? दूसरे होंगे कॉन्फॉर्म. एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेंटेन. कॉन्फॉर्म का मतलब है मान जाना. कॉन्फॉर्म, फॉलो कर लेना. मान जाना, फॉलो कर लेना. कॉन्फॉर्म, मान जाना. विच cannot maintain thermal and osmotic balance, right? 99% of the plants and animals, जैसा बाहर temperature है वैसा मान जाते हैं, follow कर लेते हैं थोड़ी देर तक, right? थोड़ी. अब देखो घर में लड़ाई हुई. अच्छा, मॉम डैड के साथ कितने बच्चों की लड़ाई हो रखी है? मेरी तो होती थी यार बचपन में, तो बहुत होती, अभी तो नहीं होती. 10th 11th में तो बाबा रे बाबा बहुत लड़ाई होती. Yes, raise your hands. Yes, sir. मॉम डैड के साथ होती है थोड़ी बहुत. Yes, मेंटी आ रहा है. मेरी तो बहुत होती थी 10th 11th 12th में, तो बहुत. 10th में नहीं होती थी इतनी, 10th तक ठीक था. 11th 12th क्या निश क्या. Yes, पर लड़ाई. Yes, fight. Fight के बाद angry. ठीक है, angry के बाद door bang, धाड़ धाड़. ठीक है, उसके बाद I don't want to eat food. No to food. खाना खा लो मानी. नहीं मुझे भूख नहीं है मानी. खाना खा. No, मुझे नहीं भूख. आप खा लो, मैंने नहीं खाना. आप खाओ, मैंने नहीं खाना. Right? Fight. Angry. आप कुछ समझते नहीं हो, कितना टेंशन है मुझे, आप तो कुछ समझते नहीं हो. क्या है मेरे को, नहीं आपसे बात नहीं करनी, आपको समझ में नहीं आता, आपकी वजह से इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये तो आपको कुछ, मेरे को वहां कोचिंग में जाना है, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे, वो बुला रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, आप मुझे रोक के बैठे हो घर में, मुझे भी उनके फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, मेरे फ्रेंड मुझे क्या कहेंगे. यस, सब मम्मी पापा ऐसे, आप कुछ समझते नहीं हो. ओके, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पढ़ दे धाड़. यस, आनी लंच टाइम हो गया, खाना खा लो. मुझे नहीं खाना, मेरे को कोई भूख नहीं है. खा लो आप लोग. कैसे माँ बाप मिले मुझे, भगवान ने मुझे कैसे माँ बाप दिए. यस, सबके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं. वानी खाना खा लो. नहीं, देन आफ्टर 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours रैप इन स्टमक, छुपके से किचन में जाना, किचन में जाके डब्बा खोलना और खाना खाना. राइट, किचन में जाना छुपके से, होता है. भूख लगी पड़ी होगी डब्बे में, थोड़ी सब्जी पड़ी होगी और डब्बे में रोटी पड़ी होगी, गरम किया तो किया. अगर आवाज आ गई तो मम्मी आ जाएगी, गरम कर देगी, वरना अगर मम्मी इधर उधर हुई या कहीं बाहर हुई या सो रही हुई, कुछ छुपके से जाना छुपके से किचन में. और जैसे ही प्लेट निकालेंगे आवाज आ जाएगी, वानी मैं नहीं कर, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है. यस, छुपके से जाना और खाना खा लेना. यस, सो दैट इज द कहानी ऑफ पार्शियल रेगुलेटर. पहले फुल एटीट्यूड, पहले क्या करेंगे, पूरा एटीट्यूड मारेंगे, पूरा एटीट्यूड. यार मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है, तुम करो. बट लेटर दे बिकम कन्फर्म. पहले रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है. पर जब नहीं होगा, जब भूख लगेगी, तो बाद में क्या करेंगे, खाना खाएंगे. रेगुलेटर प्लस कॉन्फॉर्मर. इज दैट क्लियर? यस, पहले कहेंगे नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं खाना. और फिर मम्मी आके बेचारी पैसे भी दे देगी, लो बेटा जाओ पार्टी में चले जाओ, है ना. पहले रेगुलेट करेंगे, नहीं 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 करेंगे, मैं तो अपने आप में अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लूंगा, मैं अपना सैलाइनिटी कंट्रोल कर लूंगा, सब कर लूंगा, मैं अकेले रह लूंगी, सब कर लूंगी, मेरे को बात नहीं करनी आपसे, आप जाओ. राइट, पहले रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, बाद में कॉन्फर्म कर लेंगे. दैट इज पार्शियल रेगुलेटर्स. फिर मम्मी आएंगी, बोलेंगी चल चले जा, कुछ नहीं होता. मॉम डैड आएंगे, माइग्रेट. लड़ाई क्यों हुई थी, लड़ाई हुई थी मुझे पार्टी में जाने दो, मेरे फ्रेंड की पार्टी है. मम्मी कह रही बेटा ये पार्टी वार्टी छोड़ो, पढ़ाई करो, कोरोना का माहौल है. नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है. उसने बुलाया, उसने बुलाया, उसने बुलाया, उसने बुलाया. फिर बाद में माइग्रेट, मम्मी आएंगे बोलेंगे लो 150 rupees जाओ चॉकलेट दे देना जाके, उसको कैडबरी खरीद लेना, यही बोलेंगे ना, कैडबरी खरीद लेना, आप चले जाओगे. और थोड़ी देर बाद, 1 या 2 महीने बाद, उस बेस्ट फ्रेंड से क्या हो जाएगा,
लड़ाई। क्या हो जाएगा फिर? ये फोन धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, राइट? रोज फोन आता था सुबह शाम, थोड़ी देर बाद लड़ाई, ब्रेकअप कर लिया, फिर मम्मी पूछेगी क्या हुआ, आजकल फोन नहीं आता, नहीं मुझे नहीं बात करनी, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मुझे नहीं बात करनी, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करने दो। मम्मी कहेंगे जाओ बेटा मिलने उसे, माँ तो सब जान सब जानती है, माँ तो माँ है, यस उनको सब पता है, जाओ बेटा जाओ उनसे मिलने। नहीं नहीं ऐसे मेरे को बोल रहे हो मिलने को, मुझे नहीं मिलना, क्यों? ब्रेकअप हो गया क्यों? धोखा, लात पड़ गई, यस। इसीलिए पढ़ाई कर लो, मम्मी की सुन लो, राइट? बाद में लात पड़ेगी, डन। माँ हमेशा सही कहती है, फिर बाद में लात पड़ेगी, फिर बाद में घर आओगे बुद्धू की तरह, तो अभी बुद्धू मत बनो, ठीक है? माँ बाप की सुनो, अंडरस्टूड? तो माइग्रेट करोगे, अभी तो जाओगे पार्टी में, बाद में आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बोलेगा चल निकल, ये धोखा हो जाएगा आपके साथ। तो फिर इससे बेटर है कि धोखा अभी मत खाओ बेटा, फिर धोखा मिलेगा बाद में, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times बाद में धोखा होता है, ठीक है? तो प्लीज अपने सिर्फ माँ बाप की सुनते हैं, धोखाधड़ी में नहीं फड़ते पलटते, जो मम्मी पापा कहते हैं वो बात सुनते हैं, ठीक है? रॉन्ग नंबर हो जाएगा बाद में, मम्मी बेटा क्या हो गया, 4 दिन हो गए तुम्हारे फ्रेंड का फोन नहीं आया। मम्मी क्या हो गया, तुम पार्टी नहीं जा रहे आजकल, कैडबरी के लिए पैसे नहीं मांग रहे, ठीक है? चलो समझ आया? तो सबसे पहले क्या है, रेगुलेटर, ये जो अपनी चलाते हैं, ये कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ मम्मी की सुनते हैं, वो कॉन्फॉर्मर है पहले से, ये रेगुलेटर फिर कभी रेगुलेट करते हैं, फिर बाद में कॉन्फॉर्म करते हैं, बाद में खाना, और फिर माइग्रेट अनफेवरेबल कर, आर्कटिक टर्न माइग्रेट करती है, साइबेरियन बर्ड माइग्रेट करते हैं, आर्कटिक टर्न साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, ये अपनी अनफेवरेबल जगह, अगर हैबिटेट इनका अनफेवरेबल है, बहुत ठंड है साइबेरिया में, तो ये अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन, यूजुअली टू ले एग्स, जनरली ये ले एग्स करने के लिए फर्टाइल एरियाज में जाते हैं, जहां इनको खूब खाने पीने को मिलेगा, फ्लैमिंगोज माइग्रेट करते हैं, आर्कटिक टर्न्स माइग्रेट करते हैं, साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, इज दैट क्लियर? और कई होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन माइग्रेट नहीं कर रहे, पर उसी जगह पे छुप के रहेंगे। अभी देखा लिजर्ड्स, सारी सर्दी लिजर्ड नहीं आएगी, जैसे ही गर्मी आएगी पता नहीं वो ट्यूबलाइट के पीछे से निकलेगी, कितने लोगों के घर में होता है, और दीवारों पे ना ये बिजली वालों के काम बड़े अजीब होते हैं, कितने लोगों के घर में ऐसी वॉल्स होती है और वॉल्स के पीछे वो गोल गोल होते हैं जिनके अंदर से तारे निकलती, कितने लोगों के घर में होता है ये राउंड से होते हैं ना ऐसे, इनके अंदर तार होती है, तार डाली होती है इनके अंदर, इनके पीछे से ऐसे मुंह निकालेगी, ऐसे जीप निकाले वापस भाग जाएगी, छिपकली डराएगी, यस एवरीबॉडी, होता है ना ये? तो जब जो विंटर में सोता है, फॉर एग्जांपल पोलर बेयर, दैट्स कॉल्ड एज हाइबरनेशन, जो समर्स में सोते हैं, जो बहुत गर्मी होगी, फिश पॉन्ड के बिल्कुल चिकनी मिट्टी जो नीचे वाली उसके नीचे छुप के सो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज समर स्लीप, को कहते हैं एस्टिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेदांतु बायोटॉनिक के बच्चे यहां भी स्लीप होती है, तो बायोटॉनिक के बच्चे करते हैं एनुअल स्लीप 24x7x12, कोई फर्क नहीं पड़ता, मच्छर आए, बिजली जाए, पानी आए, कोई इनको सारा दिन कभी भी सुला दो, ये आपकी स्लीप के बारे में नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे भैया ऑर्गेनिज्म या समर में सोएंगे या विंटर में सोएंगे, जो विंटर में सोएंगे उनको हाइबरनेशन कहते हैं, जो समर में सोएंगे उसको एस्टिमेशन कहते हैं, जो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे, अपने आप को सस्पेंड कर दे, जब अनफेवरेबल कंडीशन है, जूप्लैंकटन, पानी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन, वो करते हैं डायापॉज, आप करते हो परमापॉज, ये आपके बारे में, आपका है परमापॉज फ्रॉम स्टडीज एंड एनुअल स्लीप, ये आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बात, बायोटॉनिक परमापॉज एंड एनुअल स्लीप, आपकी बात नहीं कर रहे, वो पूछ रहे डायापॉज जो थोड़ी देर के लिए होता है, विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन, समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन, इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? दर आप कह रहे हो परमापॉज, अपना मत लिख के आना, डायापॉज कहना, डायापॉज, परमापॉज लिख के नहीं आना, डन। कॉन्फॉर्मर्स रेगुलेटर्स, कॉन्फॉर्मर रेगुलेटर, कॉन्फॉर्मर जो नहीं मेंटेन कर पाते टेम्परेचर कहीं भी चला जाएगा, जो रेगुलेट करते कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंट जो रेगुलेट करते हैं, कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टेंट और पार्शियल रेगुलेटर्स। थोड़ी देर के लिए तो तबाही मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर मान जाएंगे। थोड़ी देर मैंने नहीं खाना, फिर मान जाएंगे। पार्शियल रेगुलेटर्स जो बिल्कुल दबंग होके घूम रहे हैं, कॉन्फॉर्मर, जो हमेशा मम्मी पापा की बात सुनेंगे, ये देखो रेगुलेटर कॉन्स्टेंट, तो थोड़ी देर के लिए तो दबंग होने की कोशिश करेंगे, फिर मान जाएंगे। पार्शियल रेगुलेटर्स। हो गया क्रिस्टल क्लियर? डन मेरे बच्चों? अब नहीं भूलोगे ना? दबा होके घूमना भैया, हम तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो टोटल दबंग है, किसी की नहीं सुनेंगे। कैन नॉट मेंटेन थर्मल एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, कैन नॉट लिसन। पार्शियल रेगुलेटर, शुरू में तो हीरो बनेंगे, मैंने नहीं खाना, फाइनली मान जाएंगे। और जो कॉन्स्टेंट मेंटेन करेंगे रेगुलेटर्स, हार्ट बना दो गाइस, बट आर यू मेकिंग श्योर? यस, ओपी एग्जाम्पल याद रहेगा बेटा, ऐसे ये एग्जाम में ग्राफ आएगा, फिर भूल जाओगे, ये वानी मैम की बातें याद रखना एग्जाम में, ठीक है? डन, हार्ट्स ऑन माई स्क्रीन नालायको, चलो बनाओ हार्ट्स जल्दी, ठीक है? चमका, चलो आगे। अडेप्टेशन, ग्लॉगर रूल, सम, यस, आपका भी एक रूल है बेटा, आपकी मम्मी से पूछो तो एक रूल है, एक है चप्पल रूल, मम्मी करती है, दूसरा है आई रोल रूल, मम्मी आंखें मटकाती है जब, ठीक है, तीसरा है बेलन रूल, एक और रूल होता है थापी रूल, वो जो ये कपड़े धोने वाला होता है, ठीक है, फिर आपकी लाइफ में एक और रूल होता है पापा को बताती हूं रूल, ठीक है, फिर होता है सुनते हो जी रूल, सुनते हो ये पढ़ता ही नहीं है, ये नालायक बच्चा कहां से हो गया, ये आपकी लाइफ के रूल है, ठीक है, एक्सडी एक्सडी मत करो, इधर चलो, राइट, सुनते हो? ये अनुष्का बिल्कुल मेरे हाथों से बाहर चली गई है, आप सारा दिन ऑफिस में रहते हो और अनुष्का बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है, राइट? तो ये सारे आपके रूल है, आपके रूल नहीं पूछे, इकोसिस्टम के रूल पूछे, प्लीज आ जाओ। तो ऐसे ही बाकी एनिमल्स के लिए भी रूल है भाई, आपके लिए रूल है चप्पल, आई रोल, बेलन, थापी, पापा को बताती हूँ, फाइनल रूल है, इससे सब कंट्रोल में आता है। मम्मी मत बताओ, अभी मेरी मम्मी आपकी बात सुन रहा हूँ, मम्मी प्लीज, मम्मी सुनते हो? यस, ये संजय चौहान मेरी बिल्कुल बात भी सुन रहे हैं, आ जाओ इधर, ये फाइनल, इससे सब सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, ये आपके रूल है, ठीक है? अब एनिमल के रूल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले ग्लॉगर रूल, सम इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स बेयर डार्कर पिगमेंट जो कूल ड्राई होते हैं। आपने कभी भी देखा है बेटा, अगर आप किसी रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो वहां जो पत्तियों के रंग होंगे वो बहुत डार्क होंगे, बहुत पत्तियों के रंग, फूल पत्तियों के रंग एकदम डार्क होते हैं। तो ग्लॉगर ने कहा कि जो इंसेक्ट, बर्ड और मैमल है रेन फॉरेस्ट के, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट रेन फॉरेस्ट के होते हैं, वो डार्क कलर का पिगमेंट होता है रेदर देन टेम्परेट एरिया। सेकेंड रूल आपका आ गया ब्रेगमैन्स रूल, डन डन एवरीबडी? यस, सेकेंड रूल आपका आ गया ब्रेगमैन्स रूल। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द एब्सोल्यूट साइज ऑफ एन एनिमल एंड रिलेटिव पोर्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मतलब ये जो बॉडी पार्ट्स का साइज है जी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, राइट? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इज दैट क्लियर? थर्ड रूल आ गया जी आपका एलन रूल, टेल, स्नाउट, स्नाउट ये स्नाउट होता है, स्नाउट, डॉग्स का कितना प्यारा होता है स्नाउट। ईयर्स, लेग्स ऑफ मैमल्स आर रिलेटिवली शॉर्टर ताकि हीट लॉस ना हो इन कोल्डर एरियाज, एक्सट्रीमिटीज छोटी बना दो, हीट लॉस ना हो इन कोल्डर एरिया, ये रहा आपका एलन रूल। जॉर्डन्स रूल, टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ सम फिशेस, और वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा की नंबर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो मैंने आपको चारों रूल एक जगह बता दी मेरे बच्चों, प्रिंसी, चिलुमुला, मृणाल, श्रेयाश, दिव्या, तबस्सुम, रोशन, जाहिर, ग्लॉगर्स रूल, ब्रेगमैन्स रूल, एलन्स रूल, जॉर्डन्स रूल। You will need to remember all these rules. And everybody, guys, I need you.
योर लव एंड सपोर्ट 2021 आपको मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ, आप मेरे सबसे पुराने और सबसे प्यारे वफादार बच्चे हो। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, आई नीड टू यू नो आई नीड यू टू मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, यू आर शेयरिंग, यू आर सब्सक्राइबिंग, यू आर सेंडिंग योर हार्ट्स टू अस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ बायोटॉनिक गाइस। आप कहीं भी हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहो स्प्रेड द वर्ड गाइस, वी बायोटॉनिक रिक्वायर्स योर लव एंड सपोर्ट, राइट? ये चारों क्लियर हो गए आपके? देखो ये क्या है आपके, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कि जो ये इंसेक्ट है, ये कैमोफ्लेज कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, स्टिक इंसेक्ट लगेगा ही नहीं, डेड लीफ बटरफ्लाई है ये, गेको, राइट? गेको, इट्स अ लिजर्ड, इट्स डूइंग कैमोफ्लेज मिमिक्री, ये बहुत डेडली की मिमिक्री कर लेती, कैमोफ्लेज। ये देखो ये डव है, राइट? ये आउल है, राइट? वार्मिंग कलर, क्रिप्टिक कलरेशन, ये जो है हो सकता है ये नॉन पॉइजनस हो और ये पॉइजनस है, दे स्टार्ट टू रिजेंबल ईच अदर, ताकि जो प्रिडेटर है वो कंफ्यूज हो जाए, वो प्रिडेटर कंफ्यूज हो जाए, मिमिक्री में एक नॉन पॉइजनस दूसरे पॉइजनस की तरह दिखने लगता है, सो दैट द अदर वन ऑल्सो इज नॉट इट। आ जाओ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है? मेंटी आ रहा है बेटा, नेक्स्ट 2 मिनट्स में मेंटी कर रहा है। बाय द वे आपको पता ही होना चाहिए, कल फुल 11th और परसों पूरी 12th का मैं टेस्ट भी लगा रही हूँ। पॉपुलेशन, इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ह्यूमन पॉपुलेशन में आप ये नहीं बोल सकते मेरे घर में टॉमी भी है, टॉमी को भी काउंट करो, राइट? सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज, मेरे घर में टॉमी है जी, टॉमी को काउंट करो, नहीं ऐसा नहीं होता। सेम स्पीशीज लिव इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड फंक्शनिंग एज अ, तो आपने पता होगा डिकेड सेंसस करता है ना, 10 साल में 2000 से लेकर 2010 तक की पॉपुलेशन कितनी है, वो आपका सेंसस है, राइट? तो एक पर्टिकुलर टाइम और एरिया, एरिया अर्थ, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, राइट? यूएस की पॉपुलेशन कितनी है, मेक्सिको की पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोगों का पैदा हो रहे हैं, लाइव बर्थ, जिंदा कितने लोग पैदा हुए इन एन एरिया टू पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, राइट? लाइव बर्थ एंड आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, बर्थ का रेट आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन कितना जिंदा है, तो टाइगर भी बोल सकता है यहां आकर, टाइगर जिंदा है तो उसको भी बर्थ रेट में काउंट करना पड़ेगा, राइट? इज दैट क्लियर? अगर टाइगर आके बोल देगा टाइगर जिंदा है तो उसको भी बर्थ रेट में काउंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? इट हैज टू बी लाइव बर्थ, तो मतलब अगर कोई डेड पैदा होता है बाय चांस, स्टिल बर्थ पैदा होता है, उसको काउंट नहीं करेगा। आज ये हम जो आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया मुझे नहीं पता, यस आज तो आज लेम जोक डे है, यस एवरीबडी, डेथ रेट, इट इज द रेशियो ऑफ डेथ्स इन एन एरिया। अब डेथ तो भैया लिविंग की होगी ना, यस डेथ तो लिविंग की होगी, यस मेरे बच्चों, नो टू नो, नो टू नो, नो, इट्स अ रेशियो ऑफ डेथ्स इन एन एरिया टू पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ मेल्स टू, बाय द वे सेक्स रेशियो से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। मैंने एक छोटा सा प्यारा सा नया चैनल बनाया, उसका नाम है वानी द वॉइस फॉर चेंज, विच इज बेसिकली अ चैनल टू चेंज द कॉन्सेप्ट्स एंड द कंडीशनिंग विच वी हैव। बहुत गलत कंडीशनिंग होती है, मुझे बहुत लेट जिंदगी में पता चला पढ़ाई करके, ट्रैवल करके, लोगों से मिलकर, कि यार ये तो हम गलत सोचते थे, ये तो किसी ने मुझे गलत सिखाया था, ये तो मेरी गलत धारणा थी, ये तो कंडीशनिंग गलत है, तो क्यों ना बच्चों की सही टाइम से राइट कंडीशनिंग हो। 10 साल के बाद आई हैव बिकम व्हाट आई हैव बिकम टुडे, my thought processes have evolved after traveling, after meeting people, after working for so long, right? So I thought ki kyun na, you know, right age pe 16 17 14 13 se bachcho ko right cheez sikhai jaye jo mere paas nahi thi. Aapko pata hai sex ratio of that channel is 80% girls 20% boys. Aaj wo main dekh rahi thi, so sex ratio is a number of right males or females per 1000 individuals, kitni hai to females per 1000 kitni hai, usually ye thodi kam hoti thi, और मेल्स पर 1000 कितने हैं, तो अगर मेल्स होंगे 999 तो फीमेल्स हो सकते हैं 967 हो, बिकॉज हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड होता है, हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड होता है, सो दिस इज द सेक्स रेशियो, समझ आ रहा है आप लोगों को? पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट रिमाइंड्स मी, बेचारे लड़कों के लिए भी कुछ कर दिया जाए, राइट? तो आई विल, अच्छा गाइस मुझे एक बात बताओ, मुझे हमेशा से एक चीज लगती है, हमेशा कि लड़कों पे ना बहुत प्रेशर होता है, ऐसा मेरा मानना है, उनको बोला जाता है रो मत, बी अ मैन, बी अ मैन, दैट्स सो प्रेशर। आपको क्या लगता है,
आपके घर में तो मॉम डैड है, बहन भाई है, आप बताओ आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ऐसा लगता है उन बेचारों पे कितना प्रेशर होता है यार, वो रो भी नहीं सकते, वो अपने इमोशंस भी नहीं बता सकते, इमोशंस तो सब में होते हैं यार, क्या बात हुई है, बी अ मैन बी अ मैन। अरे बेचारा बच्चा, अगर उसको कुछ इमोशन फील हो रहा है, उसका रोने का मन कर रहा है, उसको इमोशनल होने का मन कर रहा है, तो क्यों ऐसा उसको ऊपर इतना प्रेशर सोसाइटी डालती है ना आयुष का बहुत बुरा लगता है। तो आई एम थिंकिंग यार इसके, और क्यों मतलब अगर लड़की रो दे तो लड़की है लड़की है लड़की है, अगर लड़का रो दे तो बेचारा ऐसे नहीं तुम नहीं रोगे, क्यों, इमोशन तो यूनिवर्सल है ना, है ना, ठीक है, we'll talk about it. पर आ जाओ, population density, एक एरिया में कितने हैं, number of individuals of a population present per unit area at a given time is the density. जैसे कि वेस्ट बंगाल की डेंसिटी बहुत हाई है, मान लो वेस्ट बंगाल में 50 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, इजी हो जाएगा क्या, और एरिया है 5 स्क्वायर किलोमीटर, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। या इंडिया की डेंसिटी, बांग्लादेश की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, यहां बताती हूं, बांग्लादेश में 500,000 लोग इन 5 स्क्वायर किलोमीटर, और मान लो यूएस में, ये बांग्लादेश की बात कर रही हूं जिसकी लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, यूएस में मान लो 5,000 लोग इन 5 स्क्वायर किलोमीटर मान लो, तो ऑब्वियसली इधर डेंसिटी देख रहे हो कितनी ज्यादा है, यस डेंसिटी कितना ज्यादा है, हाय दैट्स सो नाइस प्रेरणा, दैट्स सो नाइस, उस पर भी बात की जाए, राइट। हाँ जी रोशन जी आपने क्या पूछा, सो ये डेंसिटी है, नंबर ऑफ पीपल, एरिया जरूर होना चाहिए, एरिया के बिना डेंसिटी कैलकुलेट करना मुश्किल है, अर्बन एरियाज में डेंसिटी ज्यादा है, बैंगलोर डेंसिटी विल बी मोर, बॉम्बे डेंसिटी विल बी मोर, दिल्ली डेंसिटी विल बी मोर, एंड देयरफॉर कोविड रियली स्प्रेड देयर इन एरियाज विच हैव हाई डेंसिटी, रूरल एरियाज डेंसिटी इज लेस, बर्थ रेट इज नेटल, नियोनेटल से याद रखना, number of births during a given period in a population is your natality, number of deaths jo thodi badh gayi abhi covid ki wajah se, right, number of deaths in a population during a given period is called as mortality, mortality, to aapko ye dikh raha hai birth natality, population mein add kaun kaun kar raha hai, population mein add kaun, population mein jo aa rahe hain bahar se, to maan lo agar ye india hai और अगर किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में लोग एंटर कर रहे हैं, और अगर इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में लोग जा रहे हैं, तो वो इमिग्रेशन, ई एग्जिट, इमिग्रेशन काउंटर होता है ना, जब आप एयरपोर्ट्स में जाते हो, जब आप एंटर करोगे किसी देश में तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ेगा, राइट, जब इंडिया में कोई एंटर करेगा तो उसको, राइट, इंडिया से कोई जाएगा उसको इमिग्रेशन काउंटर में, तो अगर आप इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में गोइंग, इंडिया से गोइंग, और अगर इंडिया में कमिंग कर रहे हो फॉरेन कंट्री से, तो एंटर हो रही है पॉपुलेशन प्लस जाओगे, जैसे यूएस चले गए, इंडिया से कनाडा चले गए, राइट, इंडिया से चाइना चले गए, इंडिया से बांग्लादेश चले गए, राइट, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, इंडिया से श्रीलंका चले गए, इंडिया से भूटान चले गए, इंडिया से नेपाल चले गए, किसी भी एरिया से, राइट, दिल्ली से बॉम्बे चले गए, तो दिल्ली की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बॉम्बे से दिल्ली आ गए पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बर्थ बर्थ डेथ से पॉपुलेशन माइनस हो जाएगी, माइनस बर्थ से पॉपुलेशन, समझ आया, राइट, लैग नहीं है बच्चों, रिफ्रेश करो, लैग नहीं है, रिफ्रेश रिफ्रेश करो जल्दी से, समझ आ गया, यस, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब पॉपुलेशन, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, आज की डेट में मान लो मार्स में सब ठीक है, यस मार्स में सब, ब्लैक फंगस में आज मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूं, ब्लैक फंगस वायरस नहीं है, एक फंगस स्पोर है, राइट, अगर आप मार्स को आपने कॉलोनाइज कर दिया, मान लो आप लोगों ने मार्स को कॉलोनाइज कर दिया, और मार्स बिल्कुल अर्थ के जैसा हो गया, और वहां पे 10 लोग पहुंच गए, 10 लोग अमीर अमीर 10 लोग जो जा सकते हैं वहां, तो वहां की पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जाएगी ना, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है मार्स में, अभी
अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, कोई कमी नहीं है. यस, अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर गोइंग टू कॉल माय कोर्सेस. सो दैट इज दिस द जे शेप्ड कर्व, इस जे शेप्ड एक्सपोनेंशियल कर्व. यार बढ़ता ही चला जाएगा यार, क्योंकि मार इतना बड़ा है, 10 लोग हैं, खाना पीना एटमॉस्फेयर सब कुछ, सॉइल वगैरह सब कुछ अर्थ जैसा, मतलब मार्स अगर अर्थ जैसा बन गया और आपके 10 लोग चले गए तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी. आपको पता है कल मेरी मेंटी के मम्मी पापा से बात हुई, मैं उसका वीडियो आज लॉन्च करने वाली हूँ. मैं बहुत दुखी हूँ मेंटी से, आपको बताऊंगी आज एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके डालने वाली हूँ. मेंटी के मम्मी पापा से मेरी बात हुई, पढ़ाऊ मैं और सारा बच्चे मेरे मेंटी के गुणगान गाए, बताओ कितनी गलत बात है. मतलब माँ जो है वो परौंठे बना बना के थक गई, और आप जो आटा चक्की में आटा पीस रहे हो उसको बोल रहे कि आप परौंठे बनाए, आज सारा दिन मेरा गला मेरा फट जाए, बस मेरे बच्चे मेंटी 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 गुणगान करते रहे, बहुत गलत बात है. आज मैंने मेंटी के मम्मी पापा से बात की, मैं बता दी राइट, मेंटी का तो मैं खून करने वाली हूँ. यस, तो ये आपकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, जो जो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होने वाला क्या है, स्टेबल होने वाला क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. रियल वाला ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ. ये क्या है, एक्सपोनेंशियल. जब लिमिटलेस, लिमिटिंग है ही नहीं, आज नॉट लिमिटेड, जब लिमिट है, टेम्परेचर खाना पीना पानी का लिमिट है, दैट इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है dN by dt is equal to RN k minus N. k क्या होता है, आपका कैरिंग कैपेसिटी. भाई धरती पे इससे ज्यादा लोग नहीं रह सकते, एक लिमिट है ना, इंडिया की भी एक लिमिट है, इंडिया में एक लिमिट है, इतनी सॉइल है, इतने पेड़ पौधे, इतना ही खाना बन सकता है, इतने ही घर बन सकते हैं, एटमॉस्फेयर की एक लिमिट है, ऑक्सीजन की एक लिमिट है, तो वो लिमिट क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी. और अगर कैरिंग कैपेसिटी से एक्सटेंड चला जाए, लाइक व्हाट यू सी नाउअडेज आल्सो द वायरस व्हिच इज देयर, सो मेनी पीपल आर सेइंग यस इट द वायरस, बट आल्सो समवेयर पीपल आर सेइंग दैट मे बी इट इज द अर्थ वे ऑफ स्ट्राइकिंग एन इक्विलिब्रियम. व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज देर वॉज सो मच ऑफ डिफॉरेस्टेशन, देर वॉज सो मच ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अर्थ, दैट समवेयर मे बी द अर्थ हैड रीच्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी. Yes, I don't know what to say about this. It's a very sad thing to happen. I wish we had realized on our own. We did not need an external mechanism. But every time, every place has a carrying. You see, cyclones, earthquakes. These are all maybe to. These are nature's way to maintain an equilibrium, because we do require an equilibrium. Right? This we will only know after a few 100,000 years. Right, when we see what are the grand repercussions of it, it's a pandemic, it happens every 100 years or so. But if you ever look at, are you aware about ice ages? Are you aware about the two ice ages in evolution of Earth? Have you ever read about scientific ice ages? There's also a beautiful movie which has been made on ice ages. Right? So ice ages were also those specific times on Earth where, you know, or also the extinction of dinosaurs in Earth, there were extinction of dinosaurs. Now, this science only has to find out. You and me are not scientists to really say what is the effect of it, right? But yes, so whenever there is excess, you cannot go above the carrying capacity, no. So it has to see, it meet with the carrying capacity. Is that clear, everybody? Understood, everybody? So there is always a carrying capacity. You cannot, this is logistic. Aap carrying, har ek cheez ki carrying capacity, aap carrying capacity ke upar nahi ja sakte. Exponential nahi, because resources unlimited nahi hai. So this is a very important curve which is given by scientists, which says that everything has a carrying capacity, and aap carrying capacity ke upar नहीं जा सकते. यू cannot go, because then nature will not have the resources to sustain. Resources limited है, नेचर के पास इतने resources नहीं है कि वो unlimited growth करवाती जाए. Did you understand this? From here I'm going to start in the next class. Also do your last class की चीजें, ये important, आपको terms करवानी है. I will start from here in the next class. Pick it up, do menti, then move ahead. Is that clear? Done. जो कराओगे अच्छे से कराओगे, इसे जल्दबाजी में कराने की जरूरत नहीं है. But I'm going to pick up from here in the next class. But a very important thing which I want to say today,
प्लीज आज थर्सडे हो गया है, फ्राइडे सैटरडे आपके टेस्ट है, डोंट मिस द क्रैश कोर्स गाइस। 10-15 रुपए कुछ नहीं होते, 60 आवर्स के टेस्ट, 60 आवर्स के डिस्कशंस, 240 आवर्स की पढ़ाई, नथिंग, 10-15, 7000 इज नथिंग। ये तो एक साल की एम्स की फीस है एंड प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है 60-65-70 लाख रुपीज। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, गो राइट नाउ, क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेर डू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू गो हियर, राइट, गो राइट हियर एंड यहां पर। अच्छा ये तो कल का क्लास है, सो यू गो टू द होम पेज एंड क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन हियर, क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन हियर, राइट ऑन द लिंक राइट हियर एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द क्रैश कोर्स। द ब्रांड न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट्स ऑन 17th May, डोंट मिस दिस क्रैश कोर्स। और अगर आपके एग्जाम वगैरह कुछ भी पोस्टपोन होंगे, वी विल मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स, आपको एक्सटेंड हो जाएगा पीसीबी का फुल क्रैश कोर्स वेयर यू बूस्ट योर रैंक। आप सिर्फ डाउट की फोटो डालो एंड यू विल बी एबल टू स्टडी विद अस, टॉप टीचर्स ऑफ नीट आर गोइंग टू टीच यू। देखिए कैसे क्लासेस चलती है, अगर आप यहां पर जाइए, माई कोर्सेज पे जाइए, माई कोर्सेज पे जाकर बायो चूज कीजिए, तो आप ये देखिए नीट के ड्रॉपर का बैच चल रहा है, 11th का बैच चल रहा है, 12th का बैच चल रहा है, यू विल ऑल्सो सी माई क्लासेस, इतने सारे। तो आपको एक क्लास में क्विज करवाती हूं मैं, ये मेरी क्लासेस का डेटा है, वाओ, इतने सारे क्विज एक क्लास में, राइट। देखो टेस्ट बेटा, जो बच्चे क्रैश कोर्स में अच्छा कर रहे हैं वो 616 नंबर लाना शुरू हो चुके हैं अभी, आपके आ रहे हैं इतने नंबर, टेस्ट दो तभी तो पता चलेगा कितने नंबर आ रहे हैं। सो गो गिव टेस्ट, गो बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स। देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स में, फिजिक्स के मार्क्स देखिए आप 93% एक्यूरेसी बच्चे लेकर आ रहे हैं, 44 क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। प्लीज डू दिस, डू दिस, डू दिस, यस डू दिस, फटाफट जाइए क्रैश कोर्स लीजिए, यू विल इवन गेट माई क्लासेस, यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ मानिंगम्स क्लासेस, एस ए लीडर बोर्ड्स, टेस्ट क्लासेस, एनालिसिस, एवरीथिंग। देखो क्लास में डाउट पूछो, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, टाइम टेबल देखो, रोज क्लास, जेनेटिक्स की क्लास है अभी 12 बजे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 11-12 दोनों के टॉपिक्स करा रही हूँ। चलिए फटाफट चले जाइए, शाम को आपको पूरे टेस्ट के लिए मिलूंगी, डोंट मिस द इवनिंग क्लास। ये आपका लिंक है यहाँ पर, राइट, अटेंड कर लीजिए, यहाँ पर बाय नाउ कर लीजिए इस पे बस, और आपने कोड लगा देना है बाय नाउ, और वीडी नीट आपका कोड है, आ जाइएगा। और शाम की क्लास मिस मत कीजिएगा, आज शाम की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स एन एमसीक्यू डिस्कशन क्लास। तो अब यहां आ जाइए, ये रहा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूं। डन, सी यू गाइस, बाय, डोंट फॉरगेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ मी बायोटॉनिक, बाय गाइस।